ये है दीपक रावत। इनके YouTube चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं और इनके वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, पर वो कोई एक्टर नहीं है बल्कि एक IAS ऑफिसर है। एक इम्पोर्टेंट कारण उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे है कि हमारे नौजवान IAS और IPS की नौकरी के ख्वाब देखते हैं। IAS और IPS नौकरी ही नहीं बल्कि कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी। मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसीज खुली थी पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन के लिए, जिसके लिए 11,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से कुछ के पास PhD थी। इंडिया में करोड़ों लोग अपने नौजवानी के सबसे जरूरी साल एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, पर मोस्ट लोगों को कोई सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। जैसे इलाहाबाद के GN चाकिया ने अपनी जिंदगी के 16 साल एक सरकारी जॉब के पीछे भागते हुए बिताए। इस समय के दौरान उन्होंने 5 डिग्री भी हासिल कर ली, पर उनको कोई जॉब मिली नहीं। टाइम के अलावा कई लोग पैसे भी खर्च करते एक सरकारी नौकरी के लिए, पर सवाल यह है कि इतनी तपस्या सही है या फिर नहीं। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लोग एक सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि एक सरकारी नौकरी से उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। आप में से शायद कुछ लोग मानते होंगे कि वो लोग सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जिनके पास कोई जॉब होती नहीं है, पर ये सही नहीं है। कई लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और उसी समय एक सरकारी जॉब के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में शायद ख्याल होता है कि हम सूट बूट पहने होंगे, हमें AC के कमरे में होंगे जहाँ हमारा कैबिन होगा और जिंदगी बहुत अच्छी होगी। ये एक व्हाइट कॉलर जॉब हुई, पर मोस्ट इंडियंस के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऐसी नहीं होती बल्कि एक ब्लू कॉलर जॉब होती है जहाँ जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट होती है। जैसे किशोर का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया सुल्तानपुर के ITI से, इसके बाद उनको चेन्नई के एक प्लास्टिक प्लांट में नौकरी मिली, पर उस प्लांट में उनको 12-12 घंटे के शिफ्ट करने पड़ रहे थे, वो भी बहुत कम सैलरी में। किशोर जैसे लोगों के लिए एक सरकारी जॉब से कम्फर्ट मिलता है क्योंकि उनको फिक्स काम करना होगा और सैलरी भी इतनी खराब नहीं होगी। और ये सच है, जैसे सरकारी सेक्टर में जनरल हेल्पर की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी में कोई गारंटी तो है नहीं, जैसे बोला जाता है प्राइवेट कंपनी आज है कल नहीं, पर सरकार तो टिकी रहेगी। इसके अलावा एक सरकारी जॉब में कई और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पेंशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मेडिकल, हाउसिंग लोन, चाइल्ड केयर, ये सब आपको एक सरकारी जॉब के साथ मिलता है। अब जॉब सिक्योरिटी एक तरफ हो गई, दूसरा बेनिफिट है समाज में सम्मान। एक गरीब खानदान के बच्चे के लिए सरकारी जॉब अकेला तरीका है जिससे उनको समाज में सम्मान भी मिले और उनका परिवार गरीबी से बाहर भी आ पाए। उन लोगों के लिए एक सरकारी जॉब मिलना एक लॉटरी जीतने जैसा ही है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग ITJEE का एग्जाम दे दे जिससे वो IT में भर्ती हो जाए और फिर उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर इंडिया में IT की सीटें कितनी ही हैं। और इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि किस तरीके के लोग सरकारी जॉब के लिए इतनी मेहनत करते हैं। एक एनालिसिस ने दिखाया कि 65% कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं वो रूरल एरिया से होते हैं। ये लोग उन खानदानों से होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास परिवारों से आते हैं और जिनकी पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई बल्कि अपनी लोकल भाषाओं में हुई है, और इसी ही वजह से उनके लिए एक प्राइवेट सेक्टर जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। जैसे जीवन रूरल एरिया से आते थे और जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे एक सरकारी एग्जाम के लिए, वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 2 तरीके के जॉब्स होती हैं। एक जिनमें बहुत सारा पैसा मिलता है पर उस चीज के लिए या तो आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है या फिर एजुकेशन अच्छी, और दूसरी जॉब्स है जहाँ आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है बस महीने के 10,000 रुपए के लिए। जीवन जैसे लोगों के लिए पहली तरीके की प्राइवेट सेक्टर जॉब ढूंढना आसान नहीं है। सेम एनालिसिस ने दिखाया कि करीब 40% कैंडिडेट्स किसानों के परिवार से आते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे किसान की हालत क्या है, इसी वजह से खेतीबाड़ी छोड़कर एक सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है। जैसे अनिल, वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं और वो इलाहाबाद शिफ्ट हो गए सरकारी जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा फैमिली लोग में चाहते हैं कि लोग एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे फैमिली में सपोर्ट हो जाए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाए। एक सरकारी जॉब मिलने के बाद बस आपका सम्मान नहीं बढ़ता समाज में बल्कि आपके परिवार पर भी असर पड़ता है, जिससे स्पेशली लड़कों की शादी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। अरे भाई, इकलौती लड़की है, किसी भी आरे गहरे से थोड़ी ब्याह देंगे। जैसे हरियाणा में लोग अपनी लड़कियों की शादी सरकारी जॉब्स वाले लड़कों के साथ करवाना चाहते हैं। अरे भाई, करते क्या हो? सरकारी प्यून हूं। एक टीचर ने अपनी बेटी की शादी पर 60 लाख रुपए खर्च करे
क्योंकि उनको दुल्हा मिला जिसके पास एक सरकारी नौकरी थी और वो भी क्लर्क की। संदीप सिंह जो एक मैरिज एजेंट है वो कहते हैं कि एक क्लर्क की जॉब से लड़कों को एक अच्छा दहेज मिल सकता है और करीब 15 लाख की गाड़ी भी मिल सकती है। दहेज लेकर शादी करोगे या मैम? हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। इसी वजह से लोग सालों लगाते थे एक एग्जाम की प्रेपरेशन के पीछे, पर कई बार जब उनकी तपस्या सफल नहीं होती तो उनको मजबूरन ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाए। जैसे राधा कुमारी जो एक 25 साल की साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है और जिन्होंने NET का एग्जाम क्लियर किया था, पर इसके बावजूद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में महीने के 4,000 रुपए के लिए काम कर रही है। इसी वजह से इंडियन यूथ के लिए बहुत जरूरी है ऐसे स्किल्स सीखना जो आज की जॉब मार्केट में बहुत जरूरी है। और एक उपाय जो आप यूज कर सकते हैं वो है scaler.com, जो एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जहां हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं कई टॉप टेक कंपनी से। स्केलर का ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को स्किल्स दे जिससे वो दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बन पाए। और इस चीज के लिए वो आपकी हेल्प भी करते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरशिप जो आपकी लर्निंग के लिए नहीं है बल्कि जिससे आपको लाइफ और करियर एडवाइस भी मिलता है। और क्योंकि ये मेंटर्स टॉप टेक कंपनीज में काम कर चुके होते हैं इसलिए वो आपको सही करियर गाइडेंस दे सकते हैं। और स्केलर के स्टूडेंट्स कई टॉप टेक और प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं और उनकी सैलरी ऑन एवरेज 126% से बड़ी है। इसके साथ वो आपको इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है उसके बारे में भी बताते हैं। तो अपने आपको अपस्किल करने के लिए scaler.com को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप एक फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हो खुद डिफरेंस देखने के लिए कि आपका कुछ फायदा होता है या फिर नहीं। तो सरकारी जॉब की रेस की वजह से क्या नुकसान होता है हमारा? 3, पहला है कि कैंडिडेट्स की नौजवानी के सबसे इम्पोर्टेंट साल बस एक एग्जाम की प्रेपरेशन में चले जाते हैं। जैसे इस ग्राफ को देखिए, आपको दिखेगा कि एक एवरेज कैंडिडेट 3 साल और 3 महीने लगाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन में, और वास्तव में ये चीज शायद और भी ज्यादा है क्योंकि ये कैलकुलेशन बस उन स्टूडेंट्स की हुई थी जो किसी कोचिंग सेंटर में गए थे। पर कई स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में नहीं बल्कि सेल्फ स्टडी करते हैं। जैसे हमने राधा कुमारी की बात करी थी पहले, कई स्टूडेंट्स सालों लगा देते हैं और जब उनको सक्सेस नहीं मिलती तो उनको ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जिनसे वो ओवर क्वालिफाइड होते हैं। जैसे गणेश का उदाहरण लेते हैं, जो जयपुर में 7 साल के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे और जैसे जिम्मेदारी बढ़ने लगी वो एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम ट्यूटर बन गए। वो कहते कि स्टार्टिंग में तो सब सपने देखते हैं एक पुलिस अफसर बनने के लिए, पर फेलियर के बाद लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी लो पेइंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं जिससे कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। इसी वजह से एक पुलिस मैसेंजर की जॉब के लिए जो एक थाने से दूसरे थाने तक फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, उस जॉब के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें से 3,700 PhD होल्डर्स थे। ये उत्तर प्रदेश की बात है। और इस जॉब की आपको पता है बेसिक एलिजिबिलिटी क्या थी? 5th class pass और एक साइकिल, बस ये चाहिए थी। पर ऐसी जॉब के लिए भी PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया। दूसरा नुकसान होता है पैसे का। सरकारी जॉब्स के 93% कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने परिवार पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। हमारे फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और ये परिवार अगर प्रयागराज में कैंडिडेट हो तो हर साल 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, जबकि दिल्ली में लोग हर साल 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। अब क्योंकि मोस्टली ये लोग गरीब खानदान से आते हैं, जिसका मतलब है कि इन खर्चों की वजह से उनके परिवार पर दबाव और बढ़ जाता है। कई परिवार बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं अपने बच्चों की तैयारी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। ऐसे रमेश जो प्रयागराज में स्टूडेंट है वो कहते हैं कि उनके परिवार ने कर्ज उठाए थे और अपनी जमीन भी एक बुरे रेट में बेची ताकि उनके बच्चे तैयारी कर सके। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि कई बार बच्चों को एक किताब खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। और तीसरा नुकसान है इंडियन इकोनॉमी को, 20 से 24 साल की उम्र के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 42% है, जबकि 30 से 34 साल लोगों के बीच ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बस 0.8% है। जिसका मतलब है कि जैसे ही कैंडिडेट की उम्र 30 साल तक आती है वो एक जॉब ढूंढने लग जाते हैं। रिश्ता तब होता है जब उनकी उम्र एलिजिबिलिटी से ज्यादा हो जाती है सरकारी नौकरियों के लिए, या फिर उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स दे दिए होते हैं कि अब वो थक गए होते हैं। एक राइटर ने अपनी किताब में लिखा था कि 15 से 45 ईयर्स एज एक ऐसी एज होती है जहाँ लोग बहुत खर्चे करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और इस खर्चों से ही एक इकोनॉमी बढ़ती है। पर हमारे देश में अगर कई नौजवान अनएम्प्लॉयड है 30 साल तक क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसका नुकसान हमारे देश की इकोनॉमी को झेलना पड़ता है।
क्योंकि अगर वो लोग खर्च नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि सामान बिकेगा नहीं और बिजनेसेस इतने कमाएंगे नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिखाया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में अपनी फुल कैपेसिटी पर करीब 10 सालों से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भी इतनी क्रिएट नहीं हो रही। अब इसका मतलब नहीं है कि सरकारी एग्जाम्स की प्रेपरेशन की वजह से इकोनॉमी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। एक नई इंडस्ट्री बन गई है जिसको कई लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, जैसे गेस्ट हाउस, रेंटल फ्लैट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फोटोकॉपी शॉप्स, समोसे, चाय की दुकान और बुक की दुकान। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन्हीं एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के पैसों पर निर्भर है। अब आसान है अगर हम दोष डाल दें इन नौजवानों पर, हमें ये भी समझना होगा कि इस चीज की जिम्मेदारी सरकार को भी उठानी होगी। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनकी नौजवानी के 3 साल और 3 महीने बस एक एग्जाम की पढ़ाई में चले जाएं, पर प्रॉब्लम यह है कि ना ही प्राइवेट सेक्टर और ना सरकार इतनी जॉब्स क्रिएट कर रही है हमारे नौजवान के लिए। और बस जॉब्स की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जॉब्स की क्वालिटी भी मैटर करती है। लास्ट 3-4 महीने में मैंने कई जोमैटो और स्विगी ड्राइवर से बात करी और उनमें से कई लोगों ने कहा है कि वो ये जॉब करना नहीं चाहते। इस जॉब में बहुत मेहनत है, आपको एक मॉल जाना होता है, खाना यूजुअली मॉल के टॉप फ्लोर में होता है, इसलिए उनको एस्केलेटर लेना पड़ता है रेस्टोरेंट तक। रेस्टोरेंट से खाना लेने के बाद उनको नीचे आना होता है और कई बार उनको पता चलता है कि उन्होंने ढंग से बाइक पार्क नहीं करी और सिक्योरिटी वाला उन पर गुस्सा करता है। फिर वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं डिलीवरी के लिए, जहाँ उनको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और एक कस्टमर की चिक चिक सुननी पड़ती है और इसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी। अब ये प्राइवेट सेक्टर जॉब तो है, पर ये बहुत मुश्किल जॉब है भाई। अगर हम इंडियन फैक्ट्रीज की बात करें तो कई फैक्ट्रीज बहुत अनसेफ है वर्कर्स के लिए। इंडिया में एक और प्रॉब्लम जो आपको मिलती है वो है रिस्पेक्ट की। हमारे मन में ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे जोमैटो की डिलीवरी हो गई, किसी वेटर की जॉब हो गई या फिर साफ सफाई कर्मचारी की, हमारा समाज उनको इतना सम्मान देता ही नहीं है। ये सम्मान हमने बस IAS ऑफिसर्स के लिए रख रखा है। जब उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई फिर वो जॉब क्यों करना चाहेगा। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम है और हमें बताया गया कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए हमारे नौजवान को नौकरी चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी की। पर अभी ये सारे नौजवान बस एक गवर्नमेंट एग्जाम की रेस में लगे हुए, जिससे ना उनका फायदा हो रहा है, उनके परिवार का और ना उनके देश का। आपको क्या लगता है? अगर इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सके। और अगर आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए और अपने आप को अपस्किल करना है तो स्केलर को जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आप रेलेवेंट स्किल सीख सकें और आपको हाई पेइंग जॉब भी मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं बिहार की, कि बिहार की सरकार जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही, तो इसको जरूर देखिए।